हाय गाइस, सो हाउ आर यू। देखिए, बचपन में ना हमेशा एक डिबेट हुआ करती थी सोशल मीडिया के प्रोज और कॉन्स को लेके ना। तो उसमें हमेशा लड़ाई हुआ करती थी कि ये फ़ायदे हैं, ये लॉस है, ये कॉन्स हैं, ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए। तो मैं एक ऐसा स्टूडेंट था जो कि हमेशा उसके प्रोज के बारे में बोला करता था, बिकॉज आई ऑलवेज बिलीव्ड कि सोशल मीडिया इज़ सच अ पावरफुल टूल दैट कैन रिवोल्यूशनाइज द होल वर्ल्ड। और ऐसा हो भी रहा है, आप अगर देखो तो, ठीक है। बट द थिंग इज़ कि अभी जिस हम फेज में रह रहे हैं, द क्वेश्चन अराइजेस कि क्या इस फेज़ में हमको यूज़ करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। करना चाहिए तो किस तरह से लिमिटेड यूज़ करना चाहिए। मैं क्या करता था, मेरे फ़ोन में कौन कौन सी ऐप हुआ करती थी और मैं कैसे उनको लिमिटेड यूज़ करके हमेशा अपने डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड किया करता था, मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में आज। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं सोशल मीडिया ऐप कौन कौन सी होती हैं। फेसबुक हो गया आपका, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, ये सब सोशल मीडिया हैं, ठीक है, जिनके थ्रू आप बहुत से लोगों पे रीच कर सकते हो। दूसरा एक आता है मैसेंजर ऐप्स लाइक व्हाट्सएप और टेलीग्राम हो गए, ठीक है, चैट्स हो गए, फेसबुक मैसेंजर हो गया। तीसरा एक तरह के ऐप्स आती हैं लाइक कोरा हो गया, एक इंफॉर्मेशन गिविंग ऐप बट दैट इज़ टर्निंग इनटू हार्श थिंग, ठीक है। चौथा एक हो गया आपका यूट्यूब, वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो और वेरी डिस्ट्रैक्टिंग ऑल्सो, ठीक ना। अब आपको करना क्या है कि इन सब ऐप से कैसे आपको लिमिटेड इन्फॉर्मेशन कैच करके बाकी इनके डिस्ट्रैक्शन को दूर रखना है, ये मैं आपको बताता हूँ ना। मुद्दा ये आता है कि क्या आपको इनको अपने फ़ोन में रखना चाहिए या फिर नहीं रखना चाहिए। रखना चाहिए तो उनका लिमिटेड यूज़ कैसे करना चाहिए और उसका बेस्ट यूज़ कैसे करना चाहिए, डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड कैसे करना चाहिए, मैं आपको बताता हूँ, ध्यान सुनिएगा। देखिए, जैसे मान लो फ़ोन में आपके YouTube होता है, या YouTube तो चलो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि YouTube से क्या है कि आप मान लो कुछ लेक्चर पढ़ रहे हो, आपने कुछ कहीं भी आप पढ़ रहे हो तो आपको कुछ भी समझना हो तो YouTube बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है, ठीक है। इवन मैं आपको पता है मेरी पूरी तैयारी YouTube से ही हुई है, लेकिन आपको YouTube से डिस्ट्रैक्शन बचाना है। ये मैंने आपको पिछली बार बताया था, एक मैंने वीडियो बनाया था कि YouTube पे क्या है, जैसे मान लो आप कोई वीडियो देख रहे हो तो कोई कपिल शर्मा का वीडियो आ गया, कुछ और डिस्ट्रैक्शन वाली वीडियो आ गया, आपको इतनी अर्ज रखनी है कि आपको उस पर क्लिक नहीं करना है। आप जो काम की चीज़ देख रहे हो उस पर क्लिक करो, फिर यूट्यूब को बंद कर दो, फिर किताब से पढ़ाई करो, ठीक है। इतना आपके अंदर अपने आप को करेज डेवलप करना पड़ेगा। दूसरा, अच्छा चलो यूट्यूब हो गया सर, उसके अलावा आप टेलीग्राम यूज़ कर सकते हो। टेलीग्राम में क्या है कि आपको PDF वगैरह मिल जाती हैं, कुछ नोट्स मिल जाते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स या कुछ भी ऐसा मिल जाता है जो कि आपके कहीं ना कहीं काम में आता है, ठीक है। उसमें भी आपको ये नहीं करना है कि जो है आप किसी ग्रुप से लड़के लड़के को ढूंढ के मैसेज कर रहे हो, भाई मेरी ये हेल्प कर दो, भाई मेरी, कोई आपके किसी से हेल्प नहीं करने वाला, आपको अपनी हेल्प खुद करनी होगी, ठीक है। तीसरा, कोरा अगर आप लोग यूज़ करते हो, आप में से बहुत सारे यूज़ करते होगे, सो कोरा को यार सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए यूज़ करो, ठीक है, ज़्यादा उसमें करने की जरूरत नहीं है। मैं कोरा का बहुत बड़ा फ़ैन था पहले, मैंने अभी क्या कर दिया, कोरा के यूज़ को लिमिटेड कर दिया, क्योंकि अब वहाँ पे क्या है, थोड़ा सा शिटी हो गई वो यार, मुझे तो थोड़ा सा उसमें ज़्यादा ही फालतू चीज़ें आने लगी हैं रादर देन यूज़फुल कंटेंट। चौथा आता है ट्विटर। ट्विटर अगर आप यूज़ करते हो तो अच्छी बात है, लेकिन ट्विटर का देखिए बेस्ट तरीका क्या है यूज़ करने का। आप अगर ट्विटर यूज़ करते हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल मिनिस्ट्री के जो पेजेस होते हैं उनको फॉलो करना चाहिए। किसी भी पॉलिटिशियन को, किसी भी ज्ञान देने वाले पर्सन को जो ज्ञान देता हो, भाषण देता हो, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हो, न्यूज़पेपर का है, किसी न्यूज़पेपर वगैरह से हो, आपको किसी को नहीं फॉलो करना है। ऑफिशियल मिनिस्ट्री के हैंडल को फॉलो करो, उस पर आपको ऑथेंटिक न्यूज़ मिलेगी और सबसे पहले उस पर आपको न्यूज़ मिलेगी अगर आप ट्विटर को फॉलो करते हो तो, ठीक है। अच्छा, ये मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि आपको किनको कैसे कैसे फॉलो करना चाहिए, फिर कितने टाइम पे और कब करना चाहिए ये बता दूंगा, ठीक है। ठीक है, इंस्टाग्राम आप अगर आपके अंदर बिल्कुल भी जो है ऐसे आप पर्सन हो कि दूसरों के पोस्ट को देख के इफेक्ट हो जाते हो, कि आपको जो है ये दिखता है, जैसे मान लो आपने देखा, मान लो आपका कोई फ्रेंड है, ठीक है, वो कहीं कुछ और उसका बड़ा पैकेज लग गया, वो घूम रहा है, गोवा घूम रहा है, मनाली घूम रहा है, ठीक है, अगर वो पोस्ट आपको इफेक्ट कर रहा है तो आपको नहीं यूज़ करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, आपको अगर यूज़ भी कर रहे हो तो उसका नोटिफिकेशन ऑफ रखना चाहिए, नोटिफिकेशन आप ऑफ रखो, ठीक है। पढ़ते समय स्ट्रिक्टली आपका फ़ोन आपसे दूर होना चाहिए, ठीक है। तीसरा, कि जैसे मान लो अगर आप नोट नोट कि आपको अगर मन भी करता है इंस्टाग्राम फेसबुक यूज़ करने का, तो आप एक हैबिट बना लो कि मैं रात में ही आधे घंटे चलाऊंगा सोने से पहले, ठीक है, या फिर दिन भर जब मैं पढ़ लूँगा, शाम को जब बैठूंगा, थोड़ा बाहर जाऊँगा चाय पीने, तब चला लूँगा। इतनी अर्ज होनी चाहिए, अगर इतना आप कंट्रोल करते हो तो यू कैन यूज सोशल मीडिया इन एन इफेक्टिव वे, ठीक है। चौथा, आपको मैं क्या बता रहा था कि अब इनको देखो आपको यूज़ कैसे करना है। पहली बात तो आप कोई भी सोशल मीडिया का हैंडल यूज़ कर रहे हो, ठीक है, उनका नोटिफिकेशन ऑफ होना चाहिए, ठीक है, चाहे वो आपका ट्विटर है, चाहे वो आपका इंस्टाग्राम है, चाहे फेसबुक है, चाहे टेलीग्राम है, उसका आपका वो जो है ऑफ होना चाहिए। दूसरा,
मान लो टेलीग्राम के किसी ग्रुप में जुड़े हुए हो, उसको म्यूट कर रखो, क्योंकि जब आपको काम की इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो आप उसको जाके निकाल लोगे, ठीक है। तीसरा आपको क्या करना चाहिए कि जिस समय आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, जैसे मान लो आप बैठे हुए हो और आप पढ़ रहे हो, उस कल मैंने आपको एक तरीका बताया था ना कि आपको कैसे कैसे पढ़ना है, हाफ एन आवर के ब्रेक में पैक करना है, तो उस आधे घंटे के लिए जब आप बैठे हो ना, उस समय आपका फ़ोन आपसे बहुत दूर होना चाहिए। बहुत दूर का मतलब बहुत दूर होना चाहिए। आप रूम के एक कोने में बैठो, फ़ोन एक कोने में, लाइब्रेरी में बैठे हो तो फ़ोन को जेब में डाल लो या फिर बैग में डाल दो। फ़ोन आपसे दूर होना चाहिए, आपके टच में नहीं होना चाहिए, वरना आप खोल दोगे, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है सोशल मीडिया का बेस्ट यूज़ भी कर सकते हो, और जो है वो आपको हेल्प भी करेगा और आपको डिस्ट्रैक्ट भी नहीं करेगा, ठीक है। आई होप आपको ये आइडिया क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और अगर क्लियर हो गया होगा तो मुझे थैंक यू बोलना, ठीक है। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।